नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज दोपहर से एक वीडियो वायरल हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें सोनाली फोगाट जो कि भारतीय जनता पार्टी की आदमपुर सीट से चुनाव लड़ चुकी है, वो एक सेक्रेटरी है मार्केट कमेटी हिसार के, उनके साथ मारपीट की जा रही है, ज़बरदस्त मारपीट हो रही है, वो एक वीडियो वायरल हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा है। और काफ़ी इस मामले को लेकर टीका टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर हो रही है। तो ऐसे में अब इस मामले को लेकर एक तो लेटर उसमें एक लिखा हुआ है, एक सॉरी फील लिखी हुई है उसमें सुल्तान सिंह जो कि मार्केट कमेटी हिसार के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है, उनकी तरफ से एक लिखा हुआ एक लेटर वायरल हुआ है। और उस लेटर के अंदर वो बता रहे हैं कि ये जो घटना है वो बालसमंद की है और वो घटना का पूरे का पूरे घटनाक्रम का जिम्मेवार वो खुद हैं, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और उनकी तरफ से वर्जन उनका एक जो वीडियो है वो और वायरल हुआ है और उस वीडियो के अंदर वो पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता रहे हैं। और वो यह भी बता रहे हैं कि जो एक वायरल हो रहा है, जो उनकी तरफ से लिखा हुआ एक लेटर वायरल हो रहा है, वो लेटर उनसे बड़ा ज़बरदस्ती उनको लिखवाया गया है। उनके साथ जो एक मारपीट का जो वीडियो अब तक जो वायरल हमारे सामने जो आया है, जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो के अंदर वो सोनाली फोगाट जो एक थप्पड़ मार रही है और काफ़ी उसको भला बुरा कह रही है, वहीं दूसरा वीडियो है उसमें ज़बरदस्त तरीके से चप्पल से पिटाई की जा रही है। गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? आराम करने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या बात है सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिया, जो भी काम का बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर लिया, मैं सेक्रेटरी हूँ मार्केट कमेटी में। रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरे साथ काम सर, मैं सेट बनाने के लिए कहा, मेरे सेट बन जाएगा जी, जो भी मैं। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में लिखो, बहन जी का रिपोर्ट लिखो, लेकर चलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। तो ये दो वीडियो अब तक वायरल हुए हैं, लेकिन इसके संबंध में अब सुल्तान सिंह ने थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसके अंदर उन्होंने स्पेशल ये बोला है कि जितना वायरल हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है। वहीं सोनाली फोगाट पर आरोप है कि वो अपने गुंडों के साथ वहां पर पहुंची थी और गुंडों से भी उसने बुरी तरह से पिटवाया है और अभी भी उसको जान माल का खतरा बना हुआ है। तो वो पूरा वीडियो आप देखिए जिसमें वो किस तरह से अपना दुखड़ा रो रहे हैं और किस तरह से वो बता रहे हैं कि उन पे जो झूठे आरोप लगाकर, राजनीतिक आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई थी और उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो सुनिए उनकी व्यथा, उन्हीं खुद की जुबानी। मेरे स्टाफ वालों का फ़ोन आया कि हिसार मार्केट कमेटी में आई हुई हैं। मैं तुरंत स्टाफ वालों को कहा कि कौन है, बोला श्री सोनाली मैडम जी हैं, उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा है। मैं क्या उनको चाय पानी पिलाओ, मैं तुरंत ऑफिस पहुंच जाता हूं, मेरे को स्कूटी पे ले जाओ। मैं वहां पहुंचा, आधा घंटा हमारी बहुत नॉर्मल बात हुई, प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा मेरी तरफ से पूरी तैयारी है मैम, हमने मैप भी जारी कर रखा है और खरीद एजेंसी हैफर्ड ने मना किया कि वहाँ शेड नहीं है। तो सारा आफ्टर ऑल वो बोले कि वहाँ का दौरा कर लेते हैं आदमपुर, हाँ अपने बालसमंद का। तो हम बालसमंद आ गए सर, वहाँ भी तो मैडम आई नहीं। तो वहाँ से जब हम दफ्तर से चलने लगे, छः सात लड़के थे, नौजवान लड़के जो गाड़ी पीछे पीछे थी, हमने से इनके वर्कर होंगे, कोई भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पेट पाप नहीं था कुछ भी। तो वो हिसार से ही साथ में चले हुए थे। तो यहाँ आके मैडम आधा घंटा बाद आई हमारे बाद में, तो उनके साथ चार पांच गाड़ियाँ थी और वहाँ के उन्होंने खरीद के बारे में सारी बातें की। आरतियों ने भी बड़ी प्रेज़ की मेरी कि बहुत अच्छा काम किया है, मैडम भी बोली ठीक है काम कर रहे हो। सारी बात करने के बाद चाय बढ़वा ली आरतियों ने, तो सर वो मैडम बोली एक तरफ फर्श और दिखाओ मुझे, फर्श बदलने बदल दो। मैं कह मैं जई को बोल करता हूँ, जई को फ़ोन किया तो जई ने कहा कि आदमपुर का जई लगता है छुट्टी आज। मैं कह मैम जी हम सारी बातें हमारे मंडी सुपरवाइजर उनकी सारी समस्याएं नोट कर ली, शेड बनाना है, सुरभ शौचालय बनाने हैं और हम सरकार को लिख देते हैं जी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोली फर्श दिखाओ मुझे टूटा हुआ था, सामने 10-15 फुट जाके हम देखने लगे। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैं कह मैम जी वो गुंडे जो उनके साथ आए थे वो मेरे पीछे खड़े थे, मेरे को शक नहीं था गुंडे हैं, कौन है कौन नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं था, मैं नॉर्मली बात कर रहा था। मैडम ने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैं कह हाँ जी मैम जी मैं बदलवा देंगे फर्श से कह देंगे। तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा कि आप मेरे को गाली देते हो। मैं हैरान रह गया, हस्तपद रह गया कि मैंने गाली
कर दी है। मैं इतने में जब मेरे को ये थप्पड़ लगा तो इतने में सारे गुंडों ने मेरे को मारना शुरू कर दिया, सारे ऊपर से नीचे तक बहुत बुरी तरह मारा। बार बार उनको कहा मैंने गाली नहीं दी मैम जी, मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं तो आप यदि मैं मेरे को गाली देता तो मैं वहाँ से इनके साथ क्यों आता सारी समस्या सुनने के लिए। वहाँ भी मैंने सारी बातें सुनी, यहाँ भी सुनी है। मैं उनके कहने पर ही उनके साथ आया था। तो सर उन्होंने गुंडों का दबाव बना के मेरे को कहा कि लिख के दे, बाद में सारा दबाव बढ़ा के मेरे को जान से मारेंगे। उन्होंने मेरे से लिखवा के ले लिया कि मेरे को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बारसमन मंडी में और मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर मेरे को कहा कि वीडियो बनाओ इसकी। मेरे को उन गुंडों के साथ रखे सर, मैडम के साथ बिठा के हाथ जुड़वा के कहा कि माफ़ी मांगा। ऐसे तीन बार मेरे को प्रेस बना कर रखी है सर, और मैं माफ़ी मंगवाई। और फिर सर मेरे को कहा कि जाते हुए कि या तो यहाँ से तबादला करवा ले वरना तेरे को छोड़ूंगा, यार ये बात किसी को नहीं बतानी। तो सर मैं दो घंटे से परेशान था, मेरे को सोचा यहाँ से जाऊँगा तो मेरे को मार देंगे कोई ना कोई। तो मैं इसलिए थाने में हूँ, मैं घबराया हुआ था कि मेरे को जान से ना मार दें, क्योंकि मैडम ने कहा या तो यहाँ से बदला करा दे। और वो कहेगी यदि कि भाई ये बातें किसी को बताई तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी बहुत पहुँच है, तू जानता नहीं मेरे को। मैं क्या नहीं जी मेरे को इतना पता, आप आदमपुर से चुनाव लड़ते हो, मैं तो आपके कहने के सारे काम कर दिए हैं। मेरा उनसे कभी आप मन मनराव नहीं। उन्होंने कहा कि आदमपुर चुनाव में आपने मेरी खिलाफत की। मैं आदमपुर चुनाव में, मेरे आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। पता नहीं कैसे मैंने मैडम को ये भी कहा, मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड कर रखा है, मैंने आदमपुर में कभी इंटरफेस नहीं किया, मैं जाता नहीं कभी, ना मेरी कोई आदमपुर में रिश्तेदारी है। सर सरकार से मैं ऐसे काम कौन अधिकारी करेगा सर, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि ऐसे ही नौबत में जब मैं लॉकडाउन में चार चार छः छः घंटे सो के काम कर रहा हूँ तो मेरा मॉरल टूट गया है। मैं सोचता हूँ आज मैं दो चीज़ें सोच रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँ। सर मैं इस तरह दबाव में काम नहीं कर सकता, मैं बहुत। तो ऐसे में अब इस मामले का जैसे ही ये वायरल हुआ तो उसके बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी CID के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है। वहीं इस मामले में अब सुनने में ये आया है कि सोनाली फोगाट पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि सोनाली फोगाट जो कि BJP की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, वहीं अभी BJP की एक सक्रिय नेता के रूप में उनकी एक छवि है। वहीं इससे पहले वो TikTok पर भी खूब वायरल उनकी वीडियो होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से मारपीट की जा रही है, उसकी कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर निंदा की जा रही है। क्योंकि पहले जो वायरल हुआ उसमें ये बताया जा रहा था, ये चर्चा ये थी कि उस जो सेक्रेटरी है सुल्तान सिंह है, उसने कोई गंदी टिप्पणी की है और उस टिप्पणी की वजह से सोनाली फोगाट ने मारपीट की है। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले की अगर तह तक अगर जांच की जाती है तो जो अब तक हमारे सामने जो सामने आया है वो उससे हटकर एक नई तस्वीर सामने आने वाली है। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई टिका टिप्पणी किसी भी पक्ष पर करने के बजाय हमें फिलहाल इंतज़ार करना चाहिए। जांच अभी शुरू हुई है और उसके बाद जो जांच पूरी हो जाएगी तब ये सामने आएगा कि किस तरह से किसका क्या कितना कसूर है। तब तक आपने न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि किसी एक पक्ष को पीड़ित या किसी एक पक्ष को दोषी नहीं माने, क्योंकि ऐसे मामले कई बार भी ऐसे हुए हैं कि वायरल कुछ हो जाता है, उसके बाद में तह तक जाते हैं और उसकी जब जांच होती है तो मामला कुछ और निकल के आता है। तो ऐसे में किसी भी तरह को किसी भी व्यक्ति को इस मामले के अंदर गलत साबित नहीं करना चाहिए जब तक कि ये जाँच क्लियर नहीं हो पाती है।